मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तुम जितनी दरसें बसें खैर सुख नाल रहेगा। दोस्तों, खाना बदोश तबका जम्मू कश्मीर के अलावा हमारा मुल्क समेत जिस मुल्क में मौजूद हैं उनकी रहत पहत खाइबा पहनावो काम काज तर्ज जिंदगी करीबन एक जैसी है। जबान बख बख हो सकें पर जिंदगी जीन को तरीको तो काम काज नाले रस्म रवाज करीबन मिलता जुलता। खानाबदोश जिंदगी का सिलसिला की एक कड़ी का तौर पर आज उन तमना ईरान का खानाबदोशा की जिंदगी की रैत बैत झलक दस दे। यो चटली माँ दूध रिड़के जा रहे वे मदानी ते नेता माँ थोड़ो फर्क पावे है वर त्रिको एक ही मारो कुड़ चफड़ो वे जिस न छा छलक के बार नहीं आती ने तो रस्सी को बने हो वह जबकि यो चफड़ा पट्टा को बने हुए थम नाल एक गोड़ छिंजी भी टंगी भी पहनावा में कोई खास फर्क नहीं दिस तो छा बन गया तैयार हो गई है ते लकड़ी का चमचा नाल मक्खन कटे जा रहे या मोटी पुरकनी रोटी है इसने निकी निकी बोर गए लकड़ी की कनाली में रखे जा रहे हुए जिस तरह मारा दर मिट्टी की कनाली बनी हुई या फिर आजकल दूजा बर्तन है उनका कानवर बेल बूटा ते पखेरुओं की तस्वीर वो सुनी लग रही है। सजरो मक्खन पोरी भी रोटी में सटे जा रहे वह हूं इस ना लकड़ी का चमचा नाल रलायो जा रहे वे इससे चमचा नाल चूरी कुटी जा रही है। जो खानाबदोश डेरो है जिसमें ये कालसरी सजरो मक्खन कट गए चूरी कुट रही है। तो जनाब यार रोटी कड़ी जा रही है जिस तरह कश्मीर में लवासा बनाया जे तमारा दर लैब लाण वेले चिल्ला बुलाया जे इस मोटी रोटी ना तंदूर में लायो गयो है तो फिर गरम गरम काट गए इससे ना भोर गए चूरी कुटी जे बार एक कढ़ाई में दूध काढ़े जा रहे वे ठीक जिसरा टोका में बटुला बना गए दूध काढ़े जाए या फिर कड़ान वगैरह कटे जाए जिसना बख बख तरीका नाल पका गए सब्जी का तौर पर बरतो जाए। همون خواب می شود همون روان همون چیز همیشه در همون فرمان می شود یه پرا پرا که خدمه تاجه
ईरान का खाना बदोशा की जिंदगी बारे तम देख रहा था। अगली कड़ी में इसे और थाई का खाना बदोशा के बारे तम जानकारी दी जाएगी।